ललितपुर की कुछ पोस्टें हमें देखने को मिली हैं जो बताया गया है, इस कारण से हमने ललितपुर की कथा स्थगित कर दी है, हम वह कथा नहीं करेंगे। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार ने स्वयं इस बात को कहा है और बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऑफिशियल चैनल बागेश्वर धाम सरकार के की वेबसाइट फेसबुक वेबसाइट पर यह फोटो अपलोड किया और यह फोटो भी अपलोड किए कि बागेश्वर धाम सरकार की कथा अब ललितपुर में नहीं होगी। हाँ भक्तों, यह एक दुखद खबर है, लेकिन यह खबर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बागेश्वर धाम सरकार के नाम पर हो रही फ्रॉडगिरी से बचें। बागेश्वर धाम सरकार के नाम पर या कथा के नाम पर कहीं भी ऐसा कोई दान नहीं लिया जाता और ना ऐसा कोई काम होता है। बागेश्वर धाम सरकार ने स्वयं इस बात को रखा और इसी के साथ साथ बागेश्वर धाम ने यह भी कहा कि आगे के लिए सावधान रहें, अगर हम कथा कहीं भी करेंगे तो यह कोई भी काम नहीं होगा। बागेश्वर धाम सरकार ने ललितपुर की कथा स्थगित कर दी गई है, अब वहां कथा नहीं होगी, ऐसा बागेश्वर धाम सरकार को पता नहीं था और बागेश्वर धाम सरकार ने इस पर गौर किया और यह कुछ फोटो वगैरह डले हुए थे फेसबुक पर। बागेश्वर धाम सरकार के नाम पर यह काम हो रहा था, बागेश्वर धाम सरकार को जैसे ही पता चला बागेश्वर धाम सरकार ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और यह चीज़ें बताईं और ललितपुर की कथा कैंसिल करवा दी गई है। ऐसी नई जानकारी के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। आप खुद देख सकते हैं इन फोटुओं को जिसमें दान राशि भी लिखी है कि इतने रुपए में यह काम होगा, इतने रुपए में यह काम होगी। फूल वर्षा समारोह सेवा 11,000 रुपये, ये क्या है? ऐसे फ्रॉडगिरी से बचें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी।